देखो कानून तो कानून है, हम लोग उसको ज्यादा से जल्दी स्पीडी ट्रायल कराते और उसको। जमशेदपुर के सांची स्थित शारदा मणि गर्ल्स हाई स्कूल के कक्षा 9वीं की छात्रा का हाल जानने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रविवार को टाटा मुफ्त अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित छात्रा से मिल छात्रा के प्रति संवेदना जताई। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि जैसे ही छात्रा की हालत में सुधार आएगा उसे एयरलिफ्ट कर बाहर इलाज के लिए भेजा जाएगा। फिलहाल छात्रा की स्थिति बेहद ही नाजुक है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि छात्रा को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री बेहद गंभीर हैं, उनके निर्देशन में छात्रा का बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। देखिए बच्ची उसकी माँ कहाँ है? ठीक है, बच्ची देखिए बहुत सीरियस है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी इस विषय को लेकर गंभीर हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देश दिया है कि इसका जो है पूरा इलाज भी होना है, इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा तो ये था कि यदि थोड़ा बच्ची स्टेबल हो जाए तो इसको यहाँ से रिम्स और रिम्स से फिर इसको एम्स वगैरह में हायर इसमें एयर लिफ्ट करके भी ले जाने पर हम लोग विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी पहले स्टेबल हो जाए। और जिन लोगों ने ये कुकृत किया है उसको किसी भी कीमत में उसको विधि सम्मत उसको कड़ा से कड़ा कार्रवाई किया जाएगा, उसमें कोई ई पट नहीं है। और ये मैं मानता हूँ कि ये क्रूरतम तरीका का एक अत्याचार है, जो एक छोटी बच्ची जो इतनी प्यारी बच्ची है इतनी छोटी है और उसको इस तरह का यदि कुकृत करा दिया है जिससे इतनी वो भावुक हो गई है और भावुक होके अपने जान देने के लिए तुली है, इसका मतलब वो अंदर से बहुत दुखी है और अंदर से बहुत मर्माहत है वो। मैं तो अभी उसको देखा हूँ तो देख के मेरे शरीर का रोआ खड़ा हो गया है, इतना विभत्स तरीके से वो जली है। भगवान उसको जल्दी ठीक करे ये प्रार्थना हम करते हैं और हम लोगों का पूरा प्रयास होगा कि इस बच्ची को बेहतर इलाज मिले, निःशुल्क इलाज होगा, इसमें इसके परिवार के लोगों को एक रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। दूसरा है कि जो लोगों ने ये कुकृत किया है उन लोगों को हम किसी कीमत में माफ़ नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए क्योंकि हो सकता है कि ये बच्चा भावुक था बोल दिया, हो सकता है कि पूर्व में भी इस तरह का घटना किया हो। रैकेट का आशंका क्या जस्टी माँ बता रही? नहीं देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है पूर्व में भी किया हो और पूर्व में भी इस तरह का क्रूरतम किया हो, कोई बच्ची नहीं आगे आई हो, बच्ची तो शर्म लाज से नहीं बोली होगी लेकिन इसके साथ ज़्यादा कर दिया होगा तो इसलिए इसको किसी कीमत में नहीं छोड़ा जा सकता है और हम कठोरतम कार्रवाई भी करेंगे और इसके इलाज में कोई कमी नहीं होगी और जो भी बेहतर से बेहतर इलाज होगा वो जरूर किया जाएगा।